टा आई एम निकिता एंड आवर इंग्लिश चैप्टर नेम्बर ऑफ यूनिट द बुक नेम इज मैरीगोल्ड सो एक्सरसाइज ऑफ रीड फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बॉबर हैव कितने ब्रदर थे बार्बर के सो बार्बर के सिक्स ब्रदर्स थे हमने ऐसा पढ़ा था छ भाई थे इन अ हरी सुल्तान जल्दी में क्यों था क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स के लिए एक फीस ऑर्गेनाइज की थी ओके सो आंसर इज ही वॉज इन अरी बिकॉज ही हैड इनवाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू अट नून वो यानी कि सुल्तान ठीक है सुल्तान जल्दी में इसीलिए था क्योंकि उसने अपने कुछ दोस्तों को एक फीस्ट पर बुलाया था जो कि आफ्टरनून में थी दोपहर में थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द बाबर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान बाब इतना ज्यादा समय क्यों ले रहा था सुल्तान की कटिंग करने में या उसे शेव करने में

ध्यान दे जाता था ठीक है बार बार वो जैसे ही उसकी कटिंग करना स्टार्ट करता था फिर उसे कोई बात याद आ जाती थी और वो क्या करता था काम छोड़कर बातों पे स्विच कर जाता था एवरी नाउ एंड देन यानी कि बार बार ओवर एंड ओवर अगेन वो क्या करता था काम छोड़ता था और बातों में लग जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर राइट ट्रू और फॉल्स तो ट्रू फॉल्स हमें बताने हैं फर्स्ट वन इज द बाबर वॉज शेविंग द सुल्तान बियर्ड कि बाबर सुल्तान की बियर्ड शेव कर रहा था नहीं वो उसके हेड शेव कर रहा था यानी कि उसकी कटिंग कर रहा था बाल काट रहा था ना कि उसकी दाढ़ी बना रहा था सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नेक्स्ट इज सुल्तान गेव हिम थ्री गोल्ड कॉइन्स तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुल्तान ने आ, उसको तीन सोने के सिक्के दिए देखो उसने उसके साथ पहले डील रन की थी कि तीन सोने के सिक्के वो देगा ठीक है लेकिन क्या है अब वो जो बार बार है वो उसकी कटिंग ही नहीं कर रहा तो आ, सुल्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो बोलता है कि ऐसा करो तुम अपने तीन गोल्ड कॉइन लो और यहाँ से चले जाओ मुझे आज शेव करवाने ही नहीं है तो बार बार बोलता है कि नहीं मैं अपना काम किया बिना यहां से बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तुमने मुझे बुलाया है तो मैं तो अपना काम करके ही जाऊंगा तो उनकी जो डील थी वो कितने की थी थ्री गोल्ड क्वाइंस की नेक्स्ट इज द बाबर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस कि बार बार रिफ्यूज कर देता है सुल्तान के पैलेस से जाने के लिए यानी कि रिफ्यूज करना मतलब होता है नकार देना मना कर देना वो बना कर देता है तो ये बात बिल्कुल ठीक थी जब सुल्तान को गुस्सा आ जाता है और वो उसको बोलता है कि यहाँ से चले जाओ आज मैं शेव ही नहीं करवाऊंगा तो वो क्या बोलता है कि नहीं तुमने मुझे बुलाया था और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट देर वर सेवन ब्रदर्स ऑल टूगेदर इन द सुल्तान फैमिली तो ये बात गलत है क्योंकि सुल्तान की फैमिली में कितने ब्रदर थे उस बात का कोई जिक्र नहीं था Uh, यहाँ कौन थे ब्रदर्स? थे, ठीक है? जो बारबर था एक वो और उसके सिक्स ब्रदर्स और थे जिनके उन, उसने नाम मेंशन किए ठीक है तो वो सेवन ब्रदर्स थे यहाँ पे सुल्तान की फैमिली के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नेक्स्ट देखते हैं वाई डिट द बाबा वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड बाबा को बहुत सारा खाना किस लिए चाहिए था

डिड द सुल्तान एंजॉय द बाबर टॉक वाई डू यू से क्या सुल्तान ने बाबर की बातों को इंजॉय किया था और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सो नो द सुल्तान डिडेंट इंजॉय द बाबर स्टॉक कि नहीं सुल्तान ने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया था बार बार की बातों को यानी कि उसका उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था आई से सो बिकॉज गेव ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिम टू द बाब इन ऑर्डर टू गेट रेड ऑफ हिम हम ऐसा इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने अपना बनाया हुआ सारा खाना बार बार को दे दिया ताकि वो उससे छुटकारा पा सके कि ये जल्दी से किसी तरह यहाँ से चले जाए तो वो उसको सारा फूड दे देते हैं विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनियस्ट तो तुम्हें पूरी स्टोरी में सबसे फनीएस्ट पार्ट कौन सा लगता है बाबा वेंट आउट टू सी वट टाइम इट वॉज लिविंग बिहाइंड था छोड़कर टाइम देखने चले जाते हैं सुल्तान की शेव करते है जबकि सुल्तान का हाफ शेव हो चुका था सर और हाफ बस्ता था और फिर भी वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर दिंग्स द सुल्तान गेव टू द बाब वो कौन सी चीजें थी जो तो सुल्तान ने बाबा को दी सुल्तान गेव थ्री पीसेस ऑफ गोल्ड ऑल द फूड फ्रूटर तो सुल्तान ने दिए तीन सोने के सिक्के जितना भी खाना बनाया था वो सब और साथ में फ्रूट दिए किस को बाबर को नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस वाई डू यू से तुम्हे सच में लगता है कि सुल्तान बहुत ज्यादा जेनरस बहुत ज्यादा काइंड दयालु था और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं i am not sure मैं इतना श्योर नहीं हूँ. in my opinion the sultan showed his generosity in order to get his head fully shaved तो मैं ऐसा श्योर ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि वो काइंड था या नहीं था मेरे ओपिनियन में जो सुल्तान था उसने ये जो उपकार किया बारबर के ऊपर वो इसलिए क्या? क्योंकि उसको अपना पूरा सर शेव करवाना था तो अपने आप को पूरा शेव करवाने के लिए उसको ऐसा करना ही पड़ा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ठीक है अदरवाइज वो क्या करता वो कहता कि मुझे तो फूड uh, प्रिपेयर करना है और वो उसको बीच में ही छोड़ के चले जाता जहा इस कंडीशन में कि उसका हाफ जो हेड है वो अनशेव्ड uns, है ठीक है आगे चलते हैं वर्ड बिल्डिंग वर्ड बिल्डिंग में क्या है स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी चेंजेस इन दैम इन द सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट वर्ड जो है फर्स्ट कॉलम में वर्ड दिए हुए उनको पढ़ना है और फिर सेकेंड कॉलम में जो वर्ड है उनके अंदर क्या चेंजेस हैं वो फाइंड आउट करने वर्ड इन कॉलम टू आर द of ऑफ words इन कॉलम वन जो वर्ड कॉलम टू है उसके अंदर जो वर्ड है वो कॉलम वन के वर्ड्स का ही अपोजिट है नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एन एम एंड डे तो आपको यहाँ नीचे वर्ड दिए है आपको इनका अपोजिट बनाना है अन इम और डिस का यूज करते हुए बिलीव बिलीव का अपोजिट क्या हो जाएगा डिसबिलीव शेव्ड अनशेव्ड परफेक्ट इम परफेक्ट सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई पोलाइट इमपोलाइट रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट प्योर इमप्योर एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड ओबीडियंट डिसऑबीडियंट ठीक है बिलीव का मतलब क्या होता है भरोसा करना डिसबिलीव जिस पे भरोसा ना किया जाए शेब जो साफ हो चुका हो अनशेब जो कि साफ ना हुआ हो परफेक्ट जो बिल्कुल ठीक हो इम जो कि बिल्कुल परफेक्ट ना हो सेटिस्फाई किसी चीज से संतुष्ट हो जाना डिससेटिस्फाई किसी चीज से संतुष्ट ना होना पोलाइट बहुत ज्यादा सौम्य इम्पोलाइट जो कि बहुत ज्यादा सौम्य ना हो बिल्कुल उसका अपोजिट रिस्पेक्ट किसी का आदर करना डिसरिस्पेक्ट किसी की बेस्ती करना प्योर जो बिल्कुल साफ हो इम्प्योर जिसके अंदर इम्प्योरिटीज हो एक्सपेक्टेड जो कि पहले से ही निश्चित हो कि हाँ ऐसा तो होना ही है और अनएक्सपेक्टेड जो कि एकदम सरप्राइज हो जिसका आपको कोई अंदेशा ही ना हो Obedient यानी कि आज्ञाकारी और disobedient की बातों को ना मानने वाला ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स एडिंग अन इम और टू वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इनके साथ आपको अनएम और डिस का यूज करते हुए वर्ड को यूज करना है

टू चेज द कैट जो डॉग है वो ऊपर चढ़ने में समर्थ नहीं हो पाता यानी कि ऊपर चढ़ने के काबिल नहीं होता सो so बिल्ली को पकड़ सके तो एबल का मतलब जो काम करने में सक्षम हो और अनेबल जो कि वो काम ना कर पाए ठीक है सो द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट नेक्स्ट आई डैश हॉट मिल्क आई लाइक इट कोल्ड तो वो कहता है कि मुझे गर्म दूध नहीं पसंद मुझे कैसा दूध पसंद है ठंडा तो लाइक like होता है पसंद करना और डिसलाइक होता है जो पसंद ना हो नेक्स्ट इट इज डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है रोड को क्रॉस करना जिस टाइम ट्रैफिक सबसे ज्यादा होती है तो इंपॉसिबल इंपॉसिबल का मतलब जो संभव ना हो यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वंड एंड मेड द रैबिट डैश तो मैजिशियन ने अपने मैजिक स्टिक हिलाई और जो

दूसरे आदमी की कमजोरी का मजाक उड़ाएं तो काइंड होता है जो दया दिखाए और अनकाइंड होता है जो निर्दयी हो बिल्कुल दया ना हो जिसमें नेक्स्ट इज नोटिस द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो तो यहाँ पे हाइलाइटेड वर्ड्स को आपको फोकस करना है ध्यान से देखना है यू ऑर्डर्ड मी टू कम तुमने मुझे ऑर्डर दिया आने के लिए सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेफ्ड यू इसीलिए मैं तुम्हारा घर तब तक नहीं छोडूंगा जब तक मैं तुम्हें शेव नहीं कर देता नेक्स्ट वाइल ही वॉज शेविंग मी ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग वाइल जब जब वो मुझे शेव कर रहा था तो वो बोलने से चुप ही नहीं हो रहा था नाउ यूज द दर्ड्स गिव गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको क्या करना है ज्वाइनिंग वर्ड्स को यूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए इफ और टेल सो अन ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं फर्स्ट वन इज प्लीज वेट विद मी डैश द बस अराइव प्लीज वेट विद मी मेरे लिए मेरे साथ रुको इंतजार करो जब तक बस नहीं आती तो जब तक के लिए हम टिल टिल यूज करेंगे नेक्स्ट डू यू लाइक फुटबॉल डैश क्रिकेट क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट तो या के लिए हमने यूज किया और का नेक्स्ट माई फादर पैक माई लंच डैश माई मदर कॉन माई हेयर मेरे फादर ने मेरा लंच पैक किया जबकि मेरी मदर ने मेरे बालों की कॉम की तो वाइल जब की ठीक है ऐसा पापा ने जब किया और उसी टाइम पे ये हुआ तो वाइल यूज करेंगे जब के लिए हम समय पर पहुंचेंगे अगर हम बस कार से जाते हैं तो अगर के लिए हमने इफ यूज किया योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस डैश यू यूज अ पावरफुल माइंड कि तुम्हारी स्पीच तब तक ऑडियंस तक नहीं सुनाई देगी जब तक तुम तो माइक अच्छा यूज नहीं करोगे तो अंतिम ठीक है इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे डैश टू गो फॉर अ पिकनिक वो एक बहुत ही अच्छा दिन था इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया एक पिकनिक पर जाने के लिए ठीक है सो so, सो so का यूज करेंगे हम नेक्स्ट वी वेंट टू द जू वी सो मैनी एनिमल्स हम जू में गए थे जहां बहुत सारे एनिमल्स थे नेक्स्ट वर्ड फन वर्ड फन में क्या है लुक एट द वर्ड्स इन द बबल बबल के अंदर वर्ड्स दिए हैं राइट वट डू यू वेन यू आर एट अ डैश कि आप कब क्या करते हो वो आपको लिखना है फीस्ट जब आप एक दावत में जाते हैं तो आप क्या करते हैं तो आप वहां बैठेंगे ड्रिंक करेंगे प्ले करेंगे येल मतलब चिल्लाएंगे डांस करेंगे सिंग करेंगे सर्व करेंगे रन करेंगे इंजॉय करेंगे बाय करेंगे वेव करेंगे शाउट करेंगे राइड करेंगे ग्रीट करेंगे विन चीयर या कंप्लीट करेंगे। सो so, जब आप दावत में जाते तो वहां जाके कुछ ना कुछ, so कुछ ना खाएंगे पिएंगे, सो करना पड़ सकता है अब रेस है रेस में क्या करेंगे सबसे पहली बात तो रन करेंगे फिर जो रन कर रहे हैं उनके लिए चेयर करेंगे और रेस को फिनिश करेंगे, करेंगे क्रिकेट मैच को क्या करेंगे प्ले करेंगे जीतेंगे और उसमें भी चेयर करेंगे गेम में आपको क्या है दूसरे को एनकरेज करना है उसका हौसला बढ़ाना है तो उसके लिए आप चेयर करेंगे सिनेमा जाएंगे तो वहां जाके बैठेंगे और एंजॉय करेंगे फेयर में जाएंगे तो वहां क्या करेंगे सामान को बाय करेंगे शाउट करेंगे और राइड डिफरेंट राइड्स होती हैं फेयर में मेले में तो आप उनको भी इंजॉय करेंगे और पार्टी में क्या करेंगे डांस करेंगे प्ले करेंगे सिंग करेंगे एंड ग्रीट करेंगे एक दूसरे का स्वागत करेंगे या उनको विश करेंगे अच्छा विषय के लिए करेंगे ठीक है तो ये वर्ड फन हो गया अब हमें लेट्स राइट राइट में क्या है हाउ डज योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे कि आपके फादर या अंकल डेली अपने फेस को कैसे शेव करते हैं ही लेदर्स हिज फेस विथ शेविंग क्रीम देन ही यूज हिज रेजर ही रन इट ओवर हिज फेस इन इवन स्ट्रॉक्स तो क्या करेंगे सबसे पहले फोम को फेस पर अप्लाई करेंगे शेविंग क्रीम के साथ क्या है फोम क्रिएट करेंगे ठीक है लेदर बनाएंगे देन ही यूजेस हिज रेजर उसके बाद उसको रेजर से क्लीन करेंगे ही रन्स इट ओवर हिज फेस इन इवन स्ट्रोक्स उसको इवन स्ट्रोक्स में मसाज की तरह करेंगे ठीक है स्ट्रोक्स देंगे आफ्टर दिस ही वॉशेस हिज फेस एंड वाइप इट टू गेट rid ऑफ द लेदर तो फिर क्या करेंगे अपने फेस को

मुराल और अ वॉल पिक्चर क्या आपको एक वॉल पिक्चर बनानी है तो आप उसको कैसे पेंट करेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं हाउ टू सेंड एन ई मेल ई मेल कैसे भेजेंगे वो देख लेते हैं फिर आप वो खुद से ही मैंशन करेंगे फॉर सेंडिंग एन ई मेल वन नीड्स टू स्टार्ट इंटरनेट एंड ओपन योर ई मेल आई डी तो सबसे पहले आपको क्या करना है ई मेल आई डी ओपन करनी है इंटरनेट ओपन करके और उसमें अपनी ई मेल आई डी बनानी है ठीक है वेबसाइट से आपको क्या करना है ई मेल आई डी बनानी है देन लॉग इन टू योर ई मेल अकाउंट फिर आपको लॉग इन करना है अपने ई मेल अकाउंट में ऑप्शन कम्पोज और न्यू मेल तो प्लस करके कंपोज या न्यू मेल का ऑप्शन आएगा वो सिलेक्ट करना है यू विल है आपके सामने एक ई मेल का पेज ओपन हो जाएगा यू नीड टू राइट द रिसप्ट ई मेल एड्रेस तो जैसे आपका एड्रेस होता है ऐसे ही ई मेल में क्या होता है जिसके पास आपको भेजनी है उसका ई मेल एड्रेस होगा वो मैंशन करना है मैंशन द सब्जेक्ट एंड देन अटैच द फाइल इफ यू इफ एनी कंटेनिंग फोटोस कंटेंट एक्सेट्रा तो फिर आपको क्या करना है सब्जेक्ट मैं करना है कि किस कंसर्न में आप मेल लिख रहे हैं और उसके बाद आपको क्या करना है उसके साथ वो फाइल अटैच कर देनी है जैसे कि आपको कोई फोटो भेजनी है वीडियो भेजनी है ऑडियो भेजनी है वो आपको फिक्स uh, करनी है उसके साथ असेंबल ज्वाइन कर देनी है और कंटेंट भी जो आपको लिखना है वो आप मैंशन करेंगे देन राइट योर मैसेज यूजिंग द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ लेटर उसके बाद आपको एक मैसेज लिखना है प्रॉपर फॉर्मेट में ठीक है जो लेटर का फॉर्मेट होता है उसके अंदर आपको प्रॉपर एक मैसेज लिखना है और इसी के साथ आपकी मेल कंप्लीट हो जाएगी और आप उसे सेंड कर देंगे ठीक है तो ये हुआ आपका चैप्टर यूनिट सिक्स कंप्लीट ठीक है फर्स्ट हमने क्लास डिस्कशन एक पॉम थी वो डिस्कस की और सेकेंड स्टोरी थी द टॉकेटिव बाबर वो डिस्कस की नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट सेवन पे स्विच कर जाएंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे